हेलो बच्चों, आज हम लोग जो वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो 11th क्लास के एक थ्योरी के चैप्टर की है, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। क्योंकि एग्जाम में थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो 11th के स्टार्टिंग से लेकर 11th के एंड तक थ्योरी से नहीं हटाया जाता, इसलिए इस चैप्टर के ऊपर वीडियोज बना रहे हैं। एग्जाम टाइम चल रहा है, काफ़ी स्टूडेंट ये कह रहे हैं सर हम इसकी थ्योरी नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए मेरे को लगा कि एक वीडियो बना के हम 11th क्लास के उन बच्चों की हेल्प करें जिनका अब एग्जाम बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है और उनको थ्योरी में कुछ नहीं आता। तो फिलहाल कोशिश करते हैं, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन एक ही चैप्टर है। देखिए समझिए यहां से कि कंसेप्ट एंड कन्वेंशन ये चैप्टर आखिर कहता क्या है। पहले आप ये समझिए कन्वेंशन का मतलब क्या है, कंसेप्ट का मतलब क्या है। देखिए कुछ ऐसा होता है कि हमारी लाइफ के अंदर जब हम लोग एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसी बातें होती है जो बीच हो, हालांकि उसके अलग अलग रीजन बताए जाते हैं। कोई कहते हैं कि रिस्पेक्ट है, कोई कहते हैं कि नॉलेज मिलती है, वो अलग रीजन है, लेकिन एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि नहीं हमें अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। उसी प्रकार से बेटा ये सेम सिस्टम काम करता है अकाउंटेंसी के अंदर, बिजनेस के अंदर। जो बिजनेस करते हैं और हम उनके जब अकाउंट्स लिखते हैं तो अकाउंट्स के अंदर भी कुछ ऐसे ही कन्वेंशन चलते आ रहे हैं। जो हमारे से सीनियर अकाउंटेंट थे वो भी करते थे, जो उनके सीनियर अकाउंटेंट थे वो भी इस काम को करते थे। तो कुछ ऐसी कन्वेंशन अकाउंटेंसी में हैं जो हम सबको फॉलो करनी पड़ती हैं। एजम्पशंस हैं, क्यों है कोई नहीं जानता, कोई एक एग्जैक्ट रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी वो हैं और चलती आ रही हैं सदियों से। इसीलिए चैप्टर बनाया गया कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। और ऐसा कहा जाता है कि इस चैप्टर को पढ़ने पर आपको पता चलता है कि अगर एक बिजनेसमैन है और वो अपने बिजनेस के अंदर अकाउंट्स लिख रहा है तो अकाउंटेंट को कौन कौन सी बातें सोचनी चाहिए, वो इस चैप्टर का मोटिव है। यानी कि पहला चैप्टर में कंसेप्ट एंड कन्वेंशन में, तो आप ये समझिए कि तीन कंसेप्ट मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगा जो मेन माने जाते हैं। देखिए तीन कंसेप्ट हमारे यहां बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नाम से जाने जाते हैं, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आप चाहे अकाउंटेंट को हायर करता है तो जब अकाउंटेंट एक बिजनेस के अकाउंट लिखेगा तो लिखते समय वो तीन एजम्पशन लेके चलेगा। वो तीन एजम्पशन क्या है पहले वो समझिए। सबसे पहली एजम्पशन जो हमारे को बताई जाती है वो है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। ये सबसे पहली एजम्पशन है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। दूसरी एजम्पशन बेटे जो हम लोगों को बताई जाती है उसका नाम है कंसिस्टेंसी एजम्पशन, या कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी भी कहते हैं इसको, कंसिस्टेंसी एजम्पशन। और तीसरी जो हम लोगों को बताई जाती है उसका नाम है हमारे पास एक्रुअल कंसेप्ट। ये देखिए आप, तो तीन एजम्पशन बेटे हमारे पास हैं। यानी कि ये समझिए कि तीन बेसिक एजम्पशन इसको हम बोलते हैं, कि तीन बातें आपको अकाउंट लिखते समय माननी ही पड़ेंगी चाहे आप किसी बिजनेसमैन का अकाउंट लिख रहे हैं। अब एक एक करके इसके ऊपर हम बात करते हैं कि तीनों का अलग अलग रोल क्या है। सबसे पहली एजम्पशन आप ये समझिए गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या कहती है। देखिए स्टूडेंट कितने भी किताब पढ़ ले जब तक उसके दिमाग में बात ढंग से सेटअप नहीं होती वो इसको रटने की कोशिश ही करता है कि आखिर गोइंग कंसर्न एजम्पशन है क्या। तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन है क्या, इसको रटने की कोशिश करता है। लेकिन आप इसे एक बड़े सिंपल एग्जांपल से समझिए कि व्हाट इज गोइंग कंसर्न एजम्पशन। देखिए मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, शायद आपको बात बहुत अच्छी समझ में आ जाए। आप ये समझिए कि एक न्यूली बॉर्न बेबी है, एक न्यूली बॉर्न बेबी है, और जब कोई बेबी होता है तो उसके बारे में सब लोग एक बात मान के चलते हैं कि इसकी लाइफ कितनी है, मतलब बहुत लंबी जिंदगी भगवान करे ये जिए। जैसे कि वो मिस्टर ए है, अब उसका बेटा हुआ या उसकी बेटी हुई तो जिस दिन बेटा बेटी बड़ा खुश होता है और वो खुश ये सोच के होता है कि ठीक है इसकी लाइफ लॉन्ग लाइफ होगी, और ये एजम्पशन लेके चलता है। कोई ये तो नहीं सोचता कि इसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होगी। तो जिस तरह से एक बच्चे की लॉन्ग लाइफ सोची जाती है उसी तरह से जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो नया बिजनेस भी एक न्यूली बॉर्न बेबी की तरह ही होता है। तो ये मान के एक अकाउंटेंट कहता है कि जिसने बिजनेस शुरू किया है ये भगवान करे कि बिजनेस लॉन्ग रन तक चलता चला जाए। और इसी को बेटे हमारे बोलते हैं गोइंग कंसर्न एजम्पशन। यानी कि जब आप किसी बिजनेस के अकाउंट लिखो तो ये एजम्पशन लेके चलना कि ये बिजनेस लॉन्ग रन तक चलेगा। यानी कि ऐसा मान के हम अकाउंट नहीं लिखते कि आज ये बिजनेस शुरू किया है एक साल में ठप हो जाएगा, ना जी ना। आप मान के चलो वो होगा या नहीं होगा वो कोई नहीं जानता, वो दुनिया मतलब वो अलग बात है कि उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। इसलिए गोइंग कंसर्न एजम्पशन हमें यही समझाती है कि जब भी आप किसी बिजनेस के अकाउंट लिखो तो ये मान के लिखो कि आपका बिजनेस लॉन्ग रन तक चलेगा, राइट। अब सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट कहते हैं इसकी जरूरत क्या थी, अगर हम गोइंग कंसर्न एजम्पशन ना लें तो क्या फर्क पड़ जाएगा। देखिए फर्क पड़ता है, अकाउंट ने जब ये एजम्पशन ली तो उससे उसे एक फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि उसने एसेट्स और लायबिलिटी की दो कैटेगरी बना दी। यानी कि इस एजम्पशन से एसेट्स दो तरह की बताई गई और इसी एजम्पशन की वजह से लायबिलिटी को भी दो तरह का बताया गया।
यानी कि एसेट्स और लायबिलिटी की दो कैटेगरी बना दी। जो एसेट्स बिजनेस में कहना है लॉन्ग रन तक चलती चली जाएंगी, हमने उनको नाम दे दिया नॉन करंट एसेट्स, जिसे 11th के स्टूडेंट फिक्स्ड एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। ये पहली बात। दूसरा, जो एसेट्स बिजनेस में शॉर्ट रन में चलेंगे, यानी कि जो एसेट्स एक साल तक चलेंगे या विद इन वन ईयर वो खत्म हो जाएंगी या विद इन वन ईयर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, ऐसी एसेट्स को हम लोगों ने नाम दे दिया करंट एसेट्स। ये समझिए, ऐसी जो लायबिलिटी हमारे बिजनेस में लॉन्ग रन तक चलेंगी, हमने किसी से लोन ले लिया और वो लोन हमें 10 साल में वापस करना है, किसी से लोन ले लिया हमें 5 साल में वापस करना है, 20 साल में वापस करना है, तो ऐसी लायबिलिटी को हमने नाम दे दिया नॉन करंट लायबिलिटी। जो लायबिलिटी, अब इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या एग्जांपल सेट करते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक स्टूडेंट है और इस स्टूडेंट का नाम है मिस्टर ए। यस, अब ये मिस्टर ए क्या करता है? कह रहे सर मेरे पास एक घर में स्टडी रूम है और मैं उस स्टडी रूम में सेपरेट मेरा रूम है और उसमें मैं आराम से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ पाता हूं, और ऐसे मेरे बचपन से हैबिट है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर और 12th स्टैंडर्ड तक मैं इसी तरह से पढ़ता आया हूं, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा रिजल्ट खराब हुआ। मेरा रिजल्ट लगभग 95% से लेकर 100% के बीच में वराई करता आ रहा है, और मेरा पढ़ने का एक खास तरीका है, मैंने कभी अपने इस तरीके को चेंज नहीं किया, और किसी ने मुझसे कहा भी नहीं कि आप इस तरह से पढ़ो। ठीक है, मैं अच्छे रिजल्ट आ रहा था, किसी को मुझसे कोई परेशानी थी नहीं, कभी घर वालों ने भी नहीं टोका कि भाई आप रूम बंद करके क्या करते हो अंदर। मैं आराम से रूम अपना बंद किया, अपना पढ़ता था और उसका पेपर देता था, और ऐसा मेरे साथ चलता आ रहा है। अब अचानक क्या हुआ? कह रहे सर अचानक ये हुआ कि एक दिन घर पे मेरे कुछ गेस्ट आ गए या यूं समझिए रूम में आके गेस्ट ठहर गए। अब वो कहता है सर हो ये रहा था कि मुझे हैबिट पड़ी है उस तरह से काम करने की, अब हो ये रहा था कि घर में गेस्ट बैठे हैं तो चलो कहीं मुझे सोफे बैठ के पढ़ना पड़ रहा है, कई बार मुझे कहीं बाहर दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ना पड़ गया, कई बार मुझे स्कूल में पढ़ना पड़ गया, या वट एवर कंफर्टेबल तरीके से मैं नहीं पढ़ पा रहा था, और उससे हुआ ये कि मेरा रिजल्ट इफेक्टिव हो गया। सवाल ये उठता है कि क्या स्टूडेंट नालायक है या सरकमस्टांसेस की वजह से उसका रिजल्ट डाउन हुआ? डेफिनेटली आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि स्टूडेंट में कोई कमी नहीं है, स्टूडेंट कंसिस्टेंट पढ़ने की उसका हैबिट है, लेकिन कमी इस बात की आ रही है कि इस बार सर्कमस्टांसेस चेंज होने की वजह से रिजल्ट डिफरेंट आ गया। ठीक बेटे, यही सिचुएशन अकाउंट्स के अंदर भी होती है। अकाउंट में भी ये बात कही गई है कि अगर आप अकाउंट में बिजनेस की ट्रांजेक्शन को, बिजनेस जो अकाउंट की पॉलिसीज है उनको बार बार बदलते रहोगे, अकाउंट्स की पॉलिसी को अगर आपने कोई पॉलिसी यूज की और आपने उसको बदल दिया बार बार, तो इसका मतलब ये नहीं कि अकाउंट में कमी है, इसका मतलब ये नहीं क्योंकि बिजनेस में कमी है, आपकी सर्कमस्टांसिस की वजह से वो अकाउंट डिस्टर्ब हो जाएगा और उसका मीनिंगफुल जो सेंस निकलता है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकलती है, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि अकाउंट के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि जब कोई अकाउंट किसी बिजनेस के अकाउंट लिख रहा है तो जो पॉलिसी उसने एक साल फॉलो की है वो ईयर बाय ईयर वही पॉलिसी रहनी चाहिए। अगर आपने उसके सर्कमस्टांसेस चेंज किए तो अकाउंटेंसी की जो मीनिंग हम लोग निकाल लेते हैं, जो अपने अकाउंट से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल लेते हैं, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप लोग नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन बड़ी आसान सी है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन फर्स्ट ईयर मस्ट बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। सीधी सी बात है, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आप पहले साल में यूज करते हो वही अकाउंटिंग पॉलिसी आपको ईयर बाय आफ्टर ईयर फॉलो करनी चाहिए। एनीवे, अब स्टूडेंट कहता है सर एक बात बताओ, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के आपने फायदा यह बताया कि वो गोइंग कंसर्न इसलिए बनाया गया था कि उसने एसेट्स और लायबिलिटी को दो कैटेगरी में बांट दिया था, करंट नॉन करंट इस तरह से। अब ये कंसिस्टेंसी एजम्पशन का क्या रोल है, मैं इसका क्या एग्जांपल समझूं कि इसकी वजह से क्या होता है? अब आप लोगों के फाइनल एग्जाम है 11th के फेब में या मार्च में, के बच्चों के एग्जाम है, शायद वो पूरी 11th की क्लास पढ़ चुके होंगे इसलिए शायद मेरी बात समझ सके। देखो बेटा, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, उस चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड आप लोगों ने पढ़ोगे। हालांकि डेप्रिसिएशन लगाने के कई मेथड होते हैं लेकिन 11th क्लास में दो ही मेथड पढ़ाए जाते हैं। एक मेथड आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, राइट? अब कंसिस्टेंसी कंसेप्ट देखो क्या कहता है कि अगर एक बिजनेसमैन ये कहता है कि मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से बिजनेस में एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, तो ये बताओ बेटे अगले साल अगर वो बोले कि नहीं जी नहीं मैं स्ट्रेट लाइन से नहीं लगाऊंगा, मैं तो रिटर्न डाउन से लगाऊंगा, तो आप देख रहे हैं कि उसने सर्कमस्टांसेस चेंज कर दिए। इससे क्या होगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे इंपैक्ट आ जाएगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के रिजल्ट खराब हो जाएंगे।
इसलिए अकाउंट कहता है कि अगर आपने पहले साल में स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया है, अगर आपने पहले साल में स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया तो ईयर आफ्टर ईयर आप स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगातार लगाते रहिए। अगर आपने पहले साल में रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड लगाया है तो ईयर आफ्टर ईयर आप रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड ही लगाते रहिए। तो एक एग्जांपल तो ये समझिए, स्ट्रेट लाइन मेथड रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड का एग्जांपल आपको देना पड़ेगा। एक दूसरा एग्जांपल है वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका लिंक हायर क्लासेस है, पर वो एग्जांपल दिया 11th क्लास में आता है। हमारे एक रूल है और उस रूल का नाम है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। यानी कि हमने मान लीजिए माल खरीदा, सारा माल नहीं बिका, कुछ माल बच गया। अब जो माल बच गया वो कितने का है, इसकी वैल्यूएशन कैसे करें? उसकी वैल्यूएशन करने के कई मेथड होते हैं, जिनमें से पहला होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिनमें से दूसरा होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, और भी मेथड होते हैं हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, बहुत सारे मेथड होते हैं। लेकिन मैं आपको ज्यादा फंसाना नहीं चाहता, मैं सिंपल सी बात रोकता हूं। क्या? कि दो ही मेथड याद करो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अब बिजनेसमैन कहता है कि मैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के लिए पहला मेथड इस्तेमाल करूंगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो बेटा कोई बात नहीं, आप इस्तेमाल कर लो, लेकिन ईयर आफ्टर ईयर फिर वही मेथड चलता रहना चाहिए। अच्छा एक बात और समझिए, यहां पर स्टूडेंट कहता है सर एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लिया और मैं पिछले 10 साल से स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करता रहा और मुझे लगता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड मेरे बिजनेस को सूट नहीं कर रहा और मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, तो क्या मैं चेंज नहीं कर सकता? क्या ये कंसेप्ट मुझे चेंज करने से रोक देगा? तो मैंने कहा नहीं बेटे ऐसा नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल अभी दे रहा था आपको स्टूडेंट का, अगर स्टूडेंट रूम में पढ़ रहा है बैठ के, और रूम में पढ़ते पढ़ते बैठ के कहता है सर मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा था, 10th क्लास तक मेरा रिजल्ट आ था, लेकिन जब मैं 11th क्लास में पढ़ने लगा तो मेरा रिजल्ट अचानक डाउन हो गया, मेरा 10th में रिजल्ट था 90%, 11th क्लास में रिजल्ट था 50%। इसका मतलब साफ है कि अब बंद रूम में पढ़ाई होना इम्पॉसिबल है, उसे बाहर जाना ही पड़ेगा, उसे बच्चे अच्छे टीचर से कंसल्ट करना पड़ेगा, कोचिंग सेंटर में पढ़ना पड़ेगा, या व्हाटएवर, वो अलग दुनिया है उसकी। तो अगर आपको लगता है कि रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहे तो आप चेंजेस भी कर सकते हो। यानी कि अगर आपको किसी पॉलिसी की वजह से नुकसान हो रहा, तो ये मतलब नहीं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि आप नुकसान उठाते रहो, नहीं, आप अपनी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी कर सकते हैं, हर रोज ये चेंजेस अलाउड नहीं होते इसके अंदर। एनीवे मेरी ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होता है। गोइंग कंसर्न अलग, कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी अलग। इसमें दो एग्जांपल देने, डेप्रिसिएशन के मेथड देने और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मेथड आपको देना। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की, देखिए। यस बेटे, तो देखिए यहां पर हम कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन में आपको यहां पे बता रहा हूं, बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है, एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करनी है वो भी मैं आपको समझाता हूं, पहले याद कर लेते हैं। दिस कंसेप्ट होल्ड दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसी आप समझ गए होंगे कि जो रूल आप लोगों ने बनाए हैं, वंस सिलेक्टेड, एक बार अगर आपने सिलेक्ट कर ली, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि डेप्रिसिएशन का मेथड आपने सिलेक्ट कर लिया स्ट्रेट लाइन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का एग्जांपल सिलेक्ट कर लिया फीफो मेथड, तो एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया एंड अडॉप्टेड और बिजनेस में उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है, शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, आप उसको ईयर आफ्टर ईयर इसको अप्लाई करते चले जाएंगे। अब इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, इसके बाद यहां पर एग्जांपल दे देना डेप्रिसिएशन का और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का, आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, 11th क्लास में इससे ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, डन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसम्पशन की, एक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है। देखिए एक्रूवल अजम्पशन कंसेप्ट क्या कहता है ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एक्रूवल अजम्पशन कंसेप्ट। देखो बेटे इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि वर्ड बड़े एक्रूवल वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो 11th क्लास के बच्चों की डिक्शनरी में पहली बार आता है। दूसरा वो उसका मीनिंग लाख समझने की कोशिश करते हैं तब भी वो कहते हैं कि सर डेफिनेशन रटने का मन ही नहीं करता क्योंकि मीनिंग क्लिक नहीं करता। इसलिए पहले मीनिंग को क्लिक करने के लिए मैं एक एग्जांपल है कि मीनिंग सेट करता हूं, फिर अकाउंटेंसी में इसको कैसे कन्वर्ट करना है वो हम देखते हैं। समझिए मेरी बात को, एक्रूवल का मतलब क्या है पहले इसे समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये 5 फ्रेंड हैं, ए बी सी डी और ई इनका नाम है, जरा ध्यान से समझिएगा, 5 फ्रेंड हैं, ठीक। अब ये 5ों मिलकर एक डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना हम लोग सैटरडे नाइट में एक पार्टी रखें। सैटरडे नाइट इसलिए मैंने बोला कि आप समझ गए होंगे कि मोस्टली बच्चे स्कूल का ऑफ होता है तो सैटरडे नाइट को पार्टी करते हैं, जिसे हम लोग सैटरडे इवनिंग कहते हैं। नाइट में तो खैर आप लोग क्या पार्टी करोगे, ठीक। तो सैटरडे को इवनिंग में ही पार्टी अरेंज करते हैं और ये कहते हैं कि सब लोग मिलेंगे, आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, बट हाँ। तो बच्चों एक बार फिर से बात करते हैं, हम लोग एक्रूवल अजम्पशन पे हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें 5 फ्रेंड हैं और 5ों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि सैटरडे को इवनिंग में एक पार्टी रखेंगे और उस पार्टी को गेट टुगेदर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि सभी को कंट्रीब्यूट करना है, राइट। अब कंट्रीब्यूट कितना करना है, सबने डिसाइड किया कि 2000 रुपीज
सारे कंट्रीब्यूट करेंगे और एक शानदार पार्टी होने वाली है बेटा। तो बहुत बढ़िया बात है। तो देखा जाए तो कितने पैसे होंगे इकट्ठे, तो इकट्ठे होंगे 10,000 रुपए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले। सैटरडे को सब आएंगे, सैटरडे को पार्टी देंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि दोस्तों में अक्सर इस बात का डर लगा रहता है कि कोई आता है स्किप ना कर जाए, यानी कई बार ऐसा होता है कोई बोलते यार तू तो नहीं आएगा, तू गोलीबाजी कर रहा है। तो ऐसे में एक दोस्त बोलता है कि भाई ऐसा करो कि सैटरडे को पार्टी हो जाएगी, लेकिन सारे मेरे पास 2,000 रुपए पहले जमा करा दो। ऐसी भी एक सिचुएशन बनती है। और उसमें कुछ दोस्त कहते हैं यार अभी तो मेरे पास नहीं, तेरे को मेरा भरोसा नहीं है, सैटरडे को ही मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा, तू टेंशन ना ले। अब देखो होता क्या होता यह है कि सैटरडे को पार्टी होती है और सैटरडे को सभी लोग आ भी जाते हैं। अब हो ही रहा है कि पार्टी के अंदर मेन हेड बनाया जाता है मिस्टर सी को, और सी को सारी जिम्मेदारी दी जाती है कि मिस्टर सी साहब आपकी जिम्मेदारी है, पार्टी का सब कुछ अरेंजमेंट आपको देखना है, सबसे पैसे आपको कलेक्ट करने हैं, पैसे खर्च आपको करने हैं, हम बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वेटर पैसे मांगने आएगा, हम बोलेंगे भाई सी से ले लो, खत्म बात। डिसीजन हो गया फाइनली। आपके फ्रेंड सर्कल में भी एक आधा ऐसा फ्रेंड होगा जो सारा कुछ होल्ड करता होगा। तो हुआ ये कि सी की जिम्मेदारी डाल दी गई। अब हुआ क्या कि जब सैटरडे को सब आए, पार्टी हो रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, तो सी ने बोला मिस्टर डी से कि भाई तेरे 2,000 रुपए दे, 2,000 रुपए देने हैं सबने। तो अचानक डी ने बोला सॉरी यार मैं तो अपना पर्स ही घर भूल आया। जैसे कि अक्सर फ्रेंड सर्कल में आपके भी एक दो फ्रेंड होंगे जो ऑन एंड मोमेंट पे पर्स घर भूल आते हैं। अब इसने बोला तो टेंशन न ले भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कल तेरी पेमेंट कर दूंगा, डन, ओके। अब इधर से एक मिस्टर ए ने भी बात बोल दी कि यार भाई वो बस वो पता नहीं भाई, मतलब पर्स तो घर पे नहीं भूला लेकिन रीजन भी नहीं दे पा रहा, लेकिन वो कह रहा है यार सॉरी पेमेंट तेरी डन है, मैं तेरे को दे दूंगा, टेंशन ना ले। अब पार्टी गोइंग ऑन चल रही है। अब ये तो नहीं कि पार्टी कैंसिल हो जाएगी, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि फ्रेंड सर्कल में दोस्त है और उसको ये बोल दे कि हाँ भी तू अपने घर जा, ऐसा भी नहीं हो सकता, पार्टी तो होगी। चलिए एनीवे, फिलहाल मिस्टर सी के पास पैसा कलेक्ट कितना हुआ, ये पैसा कलेक्ट हुआ 6,000 रुपए। लेकिन मिस्टर सी ने पेमेंट जब की तो कितने की पेमेंट की, 10,000 रुपए की, 10,000 तक इनका एक्सपेंस का गुजर था। सवाल ये उठता है, मैं एक ही सवाल आप सबसे पूछूंगा और बस वहीं पे जवाब सामने आ जाएगा। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, सैटरडे को खर्चा पार्टी में कितना मानोगे, 6,000 रुपए या 10,000 रुपए? अब स्टूडेंट कहता है सर खर्चा मानेंगे हम 10,000। जो स्टूडेंट कहता है 6,000, तो 6 का खर्चा थोड़ा ना हुआ। हाँ ये अलग बात है कि सी ने पेमेंट जरूर कर दिया है, लेकिन जो पेमेंट का पैसा अभी डी और ए ने दिया नहीं है वो उनसे बाद में ले लेगा, उधार हो गया वो ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटेंसी क्या कहता है, अकाउंटेंसी ये कहता है कि आपका खर्चा जब सैटरडे को आप काउंट करो वो पूरा काउंट करो, ए बी सी डी और ई सबके आगे लिखो कि सबने 2,000 रुपए दे दिए। लेकिन लिखने का तरीका जरा देखो क्या बताता है, वो कहता है कि ए ने पैसा दिया नहीं दिया, तो ए के आगे लिखो आउटस्टैंडिंग, ये पैसा अभी मिला नहीं है लेकिन मिलना है, लेकिन एक्सपेंस तो मानेंगे हम इसको, इसको खर्चा तो मानेंगे। ऐसे ही मान लीजिए बी ने पैसा दिया, यस पेड, बी पेमेंट कर चुका है, सी ने पैसा दिया, यस पेड, पेमेंट कर दिया, डी ने पैसा दिया, यस आउटस्टैंडिंग, डी ने पैसा नहीं दिया, इसने पैसा दिया, कह रहा सर पेड। यानी कि अकाउंटेंसी कहता है कि आप एक्सपेंस accrual assumption base का मतलब होता है कि जिस डेट पे वो खर्चा हुआ वो काउंट करो, whether paid or not, चाहे उसकी पेमेंट हुई हो चाहे उसकी पेमेंट ना हुई हो, जिसकी पेमेंट नहीं हुई उसके आगे आउटस्टैंडिंग लिख दो, लेकिन उसे एक्सपेंस तो आप काउंट करोगे ही करोगे, यानी कि सैटरडे को ही खर्चा माना जाएगा। सुपोज करो कि डी कहता है कि मैं तेरे को पेमेंट मंडे को कर दूंगा और उसने मंडे को पेमेंट कर भी दी, मंडे को पेमेंट कर दी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक्सपेंस सैटरडे को मानोगे या मंडे को मानोगे? तो जो बच्चे कह रहे हैं कि सर सैटरडे को पेमेंट एक्सपेंस माना जाएगा मंडे को नहीं माना जाएगा, वो ठीक कह रहे हैं। जिनको लगता है कि मंडे को एक्सपेंस हुआ, तो बेटे सोच के देखो, मंडे को एक्सपेंस नहीं हुआ, एक्सपेंस सैटरडे नाइट में ही हो चुका था, चाहे आपने पेमेंट की हो चाहे आपने पेमेंट ना की हो। अब समझिए आप बात को, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया दरअसल इसी एग्जाम्पल को एक्रूवल एजम्पशन कंसेप्ट अकाउंटेंसी में समझाने की कोशिश करता है। और वो ये समझाने की कोशिश करता है कि मान लीजिए आपने अपने स्टाफ की सैलरी ड्यू हो गई, पेमेंट कर दी, बहुत अच्छी बात, एक्सपेंस पेमेंट नहीं की तो क्या वो एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, या उस डेट पे एक्सपेंस माना जाएगा जिस डेट पे आपने पेमेंट किया। जैसे मैंने कहा कि पेमेंट डी ने पेमेंट किया मंडे को, तो मंडे को एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस वो सैटरडे को ही माना गया। अकाउंटेंसी भी यही बात कहता है कि जिस साल के आप अकाउंट बना रहे हो उस साल का वो एक्सपेंस मानो, क्योंकि वो इसी साल से रिलेटेड है, ना कि उस साल का मानो जिस साल में आप उसकी पेमेंट सेटलमेंट करते हो। इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं एक्रूवल एजम्पशन,
कि आप ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ टेकन प्लेस, नॉट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ कैश. कैश कब दे रहे हो उससे मतलब नहीं है, सेटलमेंट कब, ट्रांजेक्शन कब हो रही है उसी डेट पे उसको रिकॉर्ड करना चाहिए. दिस इज एक्रूवल एजम्पशन. एनीवे, मुझे होपफुली आपको शायद समझ में आ गया होगा. नहीं समझ में आता तो मैं एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, उसे रटिए, आपके 11th क्लास में नंबर आएंगे. देखते हैं डेफिनेशन. तो आइए डेफिनेशन देखते हैं हमारे accrual exemption की. हमारे पास डेफिनेशन क्या है, हमारे पास डेफिनेशन लिखा है, accrual concept hold that transactions are recorded at the time when it has taken place and not when the settlement in cash taken place. मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी. यही वो एग्जांपल है कि जिस डेट पे आपकी ट्रांजेक्शन हो जाती है उसी डेट पर आपको रिकॉर्ड करना है, ना कि एट द टाइम ऑफ कैश जब उसकी सेटलमेंट होती है. तो ये हमारे पास तीन डेफिनेशन जल्दी से तैयार हो गई है. इनकी डेफिनेशन मैंने बोर्ड पर कर दी, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि बुक में इतना सारा लिखा हुआ है, इतने नंबर की डेफिनेशन, ऐसा कुछ नहीं करना आपको. यही जितनी डेफिनेशन आप लिखिए आपको मार्क्स मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं. एग्जांपल दे सकते हैं अगर ज्यादा एग्जांपल बढ़ाता है. तो तीन एजम्पशन इस वीडियो में हमने फटाफट कवर कर लिए. पहले हमने कौन सी कवर की बेटा, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड. सीधी सी बात है, या बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इनडेफिनेट पीरियड आप इसमें लिख सकते हैं. अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एजम्पशन. तीन एजम्पशन में सबसे पहले नंबर की अकाउंट की एजम्पशन होती है गोइंग कंसर्न एजम्पशन. दूसरे नंबर पर जो एजम्पशन आती है उसका नाम है कांसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी. मैंने एग्जांपल दिया कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने पहले साल में फॉलो कर ली, ईयर आफ्टर ईयर आपको वही पॉलिसी फॉलो कर ली है. तीसरे नंबर पर आती है एक्रूवल अजम्पशन, जिसमें यह बताया था कि जिस डेट पे आप ट्रांजैक्शन करते हो उसी डेट पे रिकॉर्ड करो, ना कि उस डेट पे जिस डेट पे उसकी कैश सेटलमेंट आप करते हो. तीन अजम्पशन को आप लोग याद कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग तीन अजम्पशन और पढ़ाऊंगा. थैंक यू.